पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए, कुत्ते भी आए इसमें, कुत्ते आए। और आपने एक, अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे कोई नफरत नहीं थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हैं, लगान लगी हुई है, पीछे से लगान लगी हुई है। मगर इनके जो चैनल हैं, ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चलाऊं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है, ये क्यों हो रहा है? जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और ये नई बात नहीं है, ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। तो सवाल उठता है, ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं जो इनके पीछे हैं, ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? आपने कभी पूछा अपने आप से कि मीडिया 24 घंटा कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे? कभी आपने देखी है? कभी टीवी पर देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। सही बात है ना? सही बात, कभी नहीं दिखेगा। इसका कारण है भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है,
भाइयों और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं, नाम बताओ। देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है, और ये पूरा पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी, मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका जेब, आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में, तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनकी ओर जाना चाहिए। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा, मैंने इंजीनियरिंग की, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा, मैंने आईएएस के लिए तैयारी की, मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। पूछो क्या किया, पढ़ाई की, कितने साल की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ? आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं, पकौड़े बनाता हूं। बेरोजगारी क्यों आई, मैं आपको बताता हूं। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाते हैं, ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में हैं, और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 35 को देता है, और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं, ये 24 घंटे लगे रहते हैं, बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसे दिया जाता है। ये बैंक के सामने जाते हैं, इनको धकेल के निकाल दिया जाता है, राइट? अब क्या, ठीक है, बैंक का पैसा नहीं दिया तब भी मान ली बात, मगर फिर क्या किया, फिर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और प्रधानमंत्री ने गलत जीएसटी लागू की। भाइयों और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को और किसानों को मारने के हथियार हैं ये। और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी।
किसके लिए तोड़ी, किसके लिए तोड़ी? इनके जो मालिक है उनके लिए तोड़ी। गेम को समझो। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, युवाओं की बात की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की बात की, दुकानदारों की बात की। अब सड़कों पे मुझे हजारों किसान मिले हैं, एक सेकंड में पहचान लेता हूं, जैसे ही हाथ मिलाता हूं समझ आ जाता है ये मजदूर है या ये किसान है, हाथ से पता लग जाता है, छिले हुए हाथ होते हैं,